कितने लोग आज रिलेशन में है परमेश्वर के साथ। रिलेशन क्या होता है? बहन भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, मां बाप का संबंध, ब्लड का रिलेशन। आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन होना बहुत जरूरी है। जिन लोगों का परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं, वो आज भी गए, कल भी गए। जब आपके रिलेशन वाले व्यक्ति को कोई गाली निकालता है, कोई मारता है, आपको गुस्सा आता है। लेकिन जब परमेश्वर के साथ आपका रिलेशन कोई नहीं, वो है तो है, मुझे क्या परवाह, वो ब्लेस करता या नहीं करता, मुझे क्या लेना देना, परमेश्वर क्या कर रहा है, क्या दुनिया है, क्या बाइबल है, क्या प्रार्थना है, इससे आप कोई इंटरेस्टमेंट नहीं लेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर में रिलेशन में नहीं है। आज परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, आपका खुदा के साथ संबंध हो। सारा चर्च बोलो, मैं परमेश्वर के साथ संबंध रखूंगा, मुझे परमेश्वर के साथ रिलेशन में जाना है। इब्रानी भाषा का एक शब्द आता है ओना, ओना कोहैबिटेशन, ओना। ओना का मतलब है जैसे हस्बैंड और वाइफ का एक रिश्ता होता है, हस्बैंड वाइफ का एक ब्लड रिलेशन होता है, हस्बैंड वाइफ एक एक कवनेंट के बीच, एक वादे के बीच चुने जाते हैं, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। सच्चे रिश्ते की बात कर रहा हूं, जो ट्रू रिलेशनशिप परमेश्वर की ओर से जोड़ा गया है। इसी तरह से आपका रिलेशन वाइफ और हस्बैंड की तरह परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। वचन में लिखा है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी बीवी, अपनी पत्नी के साथ हमेशा मिला रहेगा। इसका मतलब यह है कि हर चीज से बढ़कर पति पत्नी का रिश्ता है। इसी तरह से परमेश्वर कहता है, तेरा रिश्ता मेरे साथ होना चाहिए। आज आपका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। वो आपको ब्लेस करे चाहे ना करे, वो आपका परमेश्वर है। वो आपको छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, वो आपका परमेश्वर है। वो हवा हवा में, आत्मा में आपको वो स्पिरिचुअली ब्लेस करता है, क्योंकि आपका रिलेशन उसके साथ मजबूत हो जाता है। बोलो आमेन। आज दुनिया में लोगों का रिलेशन खुदा के साथ मजबूत नहीं है। लोग परमेश्वर से टेम्परेरी प्यार करते हैं, मतलबी प्यार करते हैं। जब उनको परमेश्वर की जरूरत, फिर परमेश्वर भी सोचता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, उसी के मुताबिक आपको बरकत देता है। सुनो, मेरी लाइफ की मैं आपको गवाही बताता हूं, ये सेवकाई 2 रुपए से शुरू हुई है। दिस मिनिस्ट्री हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 2 रुपीज। 2 रुपए से ये सेवकाई शुरू हुई है और आज ये सेवकाई करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर रही है। ये ग्रेस है प्रभु की। आज बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे बिलीवर्स, बहुत सारे दुनिया के लोग हैं जो जहां पर थे वहां पर ही हैं। चेंज नहीं, ब्रोथली नहीं, प्रोस्पेरिटी नहीं, क्योंकि जब तक आपका खुदा के साथ रिलेशन मजबूत नहीं होगा, आपकी जिंदगी में कभी ब्लेसिंग नहीं आनी पाएगी। बोलो आमेन। वचन में लिखा, आपका परमेश्वर के साथ रिलेशन कैसे स्ट्रांग होगा, जब आप प्रेयर करते हो। हाँ, प्रेयर कैसे करनी है? अपने आप को दीवारों से मारना है, अपने आप को जोर जोर से नीचे पटकना, ये प्रार्थना नहीं, प्रेयर है यू हैव टू टॉक विद गॉड इन स्पिरिट। आपको परमेश्वर के साथ आत्मा में बात करनी है। परमेश्वर को कहना, प्रभु हाँ तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरे सामने आता हूं, मैं तुझसे बात करता हूं। ओ जीसस, जब आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना करोगे रिलेशन में आकर, तो मैं आपको बता रहा हूं 100% प्रतिफल आने शुरू होंगे आपकी लाइफ में। बोलो आमेन।